Mic check. जितेंद्र पाठर है, मैं आपको फायर लगने के बाद, आग लगने के बाद जो फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग यूज़ करेंगे उसका डेमो दिखाऊंगा, और जो स्मोक डिटेक्टर हमारे यहाँ पे लगे हुए उसका ऑपरेट कैसे करना है उसको मैं दिखाऊंगा। फिर बाद में हमारे यहाँ पे ऑडी में सब जगह पे ये रखे होज पाइप है, कैनवास होज पाइप है और होज ड्रिल है, वो कैसे ऑपरेट करना है, किस तरह से हम लोग आग बुझा सकते हैं वो आपको मैं दिखाऊँगा, ठीक है। अभी पहले मैं बताऊंगा कि आग कैसे लगती है, किन चीज़ों से आग लगती है, कितने चीज़ों से आग लगती है। तीन चीज़ें, ट्रायंगल ऑफ द फायर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ट्रायंगल ऑफ द फायर, यानी हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, ये तीन चीज़ें एक साथ जब आती है तब आग लगती है, समझ गए, हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। अभी क्लासेस ऑफ फायर मैं आपको बताऊंगा, क्लासेस ऑफ ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास और ई क्लास, ये पांच क्लासेस है। ए क्लास में साधारण आग होती है, हमको आग कैसे पहचानना है वो हमको मालूम होना चाहिए, कौन से कैटेगरी में कितने टाइप्स ऑफ फायर है। तो ए क्लास ऑफ फायर में जनरल फायर बोलते हैं उसको, सॉलिड फायर बोलते हैं, सॉलिड फायर यानी लकड़े को लगी हुई आग, कपड़े को लगी हुई आग, बराबर फुट्टे को लगी हुई आग को हम लोग साधारण आग बोलेंगे, और साधारण आग हम लोग कैसे बुझा सकते हैं, हम लोग पानी से बुझा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग ये फायर एक्सटिंग्विशर है उसके ऊपर लिखा गया है ए और बी और सी, तो ये टाइप ऑफ फायर को हम लोग, ये फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में बी क्लास ऑफ फायर है, कौन सा फायर है, बी क्लास ऑफ फायर। तो बी क्लास ऑफ फायर में हम लोग किस में काउंट करेंगे, बी क्लास ऑफ फायर यानी लिक्विड फायर बोलते हैं, कौन सा, लिक्विड फायर यानी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन को लगी हुई आग को हम लोग क्या बोलेंगे, बी क्लास ऑफ फायर, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लिक्विड फायर बोलते हैं उसको, बराबर, जहाँ पे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन को आग लगी हुई है तो उसको हम लोग, यही फायर एक्सटिंग्विशर है, यहाँ पे लिखा हुआ है बी क्लास ऑफ, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बी क्लास और यहाँ पे भी लिखा हुआ है, हम लोग इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बी, बी फॉर लिक्विड फायर, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन को लगी हुई आग को हम लोग ये दोनों फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग क्या कर सकते हैं, आग बुझा सकते हैं। इसमें से निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और इसमें से निकलेगा ड्राई केमिकल पाउडर, बराबर, ठीक है। उसके बाद में सी क्लास आता है, सी क्लास यानी गैस फायर, समझ गए, एचपी, हमारे यहाँ पे एचपी, एलपी जो गैस होते हैं वो, उसको अगर आग लगती है तो सी क्लास ऑफ फायर में काउंट हो जाता है। उसके लिए हम लोग यही फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पे लिखा है बीसी और यहाँ पे एबीसी लिखा हुआ, यानी इनो क्लास के लिए ये यूजफुल है, ठीक है। उसके बाद में डी क्लास मेटल फायर, उसके बाद में मेटल फायर मैग्नीशियम पोटेशियम, जो कंपनी में, बड़े बड़े कंपनियों में जो आग लगती है इसको मेटल को, तो आग बुझाने के लिए ड्राई केमिकल पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए। उसके बाद में ई क्लास ऑफ फायर यानी इलेक्ट्रिसिटी फायर, इलेक्ट्रिसिटी फायर मालूम है ना आपको, जब ही शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट कब होता है, टेम्परेचर हीट हुआ, ओवरलोड हुआ इलेक्ट्रिसिटी में, अभी यहाँ पे हमारे पास ओवन है सब, बराबर है, जब ओवरलोड होता है एक जगह पे, ओवरलोड होता है तो वो क्या होता है, हीट होता है, केबल हीट हो जाती है और फिर बाद में दोनों वायर जल जाती है, जल जाती है यानी दोनों एक साथ मिल जाने के बाद वो शॉर्ट सर्किट हो जाए और फिर बाद में आग लगती है। तो ये आग लगने के बाद हम लोग ये इलेक्ट्रिसिटी का जो आग लगती है तो हमको पहले क्या करना होता है, पहले हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो सप्लाई हमको क्या करना है, बंद करना है। उसके बाद में हमको यही फायर एक्सटिंग्विशर, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी बीसी टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, उसको हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे और आग बुझाएंगे, बराबर है। अभी तीन चीज़ों से आग लगती, हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। अगर हीट को हमको कम करना है, जैसे हम लोग ये क्लास ऑफ फायर है, हीट को हमको कम करना है तो हम लोग पानी से बुझाएंगे, यानी हीट का मतलब ऑपोजिट कूलिंग करना, क्या करेंगे हम लोग, कूलिंग करेंगे। फिर उसके बाद में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अगर हमको हटाना है तो कैसे हटाएंगे, हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर से भी हटा सकते हैं। ऑक्सीजन को हटाना मतलब क्या करना है,
ब्लैंकेटिंग करना, क्या करना है, ब्लैंकेटिंग करना। अभी ऑक्सीजन को हटाना है, यानी यहाँ पे आग लगी है, हम लोग को हमारे पास ब्लैंकेट है, हम लोग ब्लैंकेट उसके ऊपर डाल के आग बुझा सकते हैं। और ये फायर एक्सटिंग्विशर क्या करता है, यही काम करता है, यही फायर एक्सटिंग्विशर एक पाउडर की लेयर बना देता है उसके ऊपर, और क्या करता है, आग बुझा देता है। उसके बाद में ऑक्सीजन को हटाना है, वो तो हमने ब्लैंकेटिंग कर दिया, हीट को हटाना है, मैंने क्या कर दिया, कूलिंग कर दिया। उसके बाद में क्या है, हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, फ्यूल यानी सामग्री, जिसको लगी हुई आग, अभी लकड़े को लगी हुई आग, चेयर को लगी हुई आग, हम लोग कैसे बुझाएंगे, पानी से बुझाएंगे, बराबर है, लेकिन उसको हमको साइड में करना है, हटाना है, बाजू में करना है। जो चीज़ को आग लगी है उसको हम लोग ये कर सकते हैं, अभी इलेक्ट्रिसिटी की आग लगी है, हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई बंद करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, सप्लाई बंद करना मतलब फ्यूल को मैंने क्या किया, हटा दिया, यानी फ्यूल को मैंने स्टॉप कर दिया। जब इलेक्ट्रिसिटी की आग लगी है, शॉर्ट सर्किट लगा है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सप्लाई बंद कर दिया। सप्लाई बंद करने के बाद क्या होगा, स्टारवेशन होता है, यानी फ्यूल को हटाना मतलब स्टारवेशन। गैस की आग लगी है, हम लोग क्या करेंगे, गैस की आग लगी है तो हम लोग क्या करेंगे, मेन वॉल जो है हम लोग क्या करते हैं, बंद करते हैं, और उसको क्या बोलते हैं फिर, स्टारवेशन, यानी फ्यूल को मैंने हटा दिया, रोक लिया। फ्यूल को हटाना मतलब स्टारवेशन करना, हीट को हटाना मतलब, यानी पानी से आग बुझाना मतलब कूलिंग करना, ऑक्सीजन को हटाना मतलब ब्लैंकेटिंग करना। ये तीन चीज़ें हमको ध्यान में रखना है, ये ट्रायंगल ऑफ द फायर बोलते हैं उसको, हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, तीनों एक साथ आते हैं तो आग लगती है, और तीनों में से एक को हम हटाते हैं तो आग बुझ जाती है। यानी हमको साधारण आग लगी, मैंने कूलिंग कर दिया, पानी डाल दिया, वहाँ पे हमारे पास ओजरिल है, बराबर है, या अगर चेयर को आग लगी है, वहाँ पे जल गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, फटा करके होजरिल निकालेंगे, और समझ गए, होजरिल में हम लोग ऑपरेट करके दिखाएंगे मैं आपको। तो होजरिल से मैंने ऑपरेट कर दिया, और जहाँ पे आग लगी है वहाँ पे मैंने उसको ओपन कर दिया, शटम नोजल जो आगे होता है उसको हम लोग ओपन कर देते हैं, और क्या होता है, वॉल ओपन करने के बाद, आगे का शटम नोजल ओपन करने के बाद, फिर वो आग, पानी जहाँ पे आग लगी हम लोग एम करेंगे, उसको आग बुझा देंगे। ये सब चीज़ें हैं कि हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। अभी हमारे पास ये स्प्रिंकलर है, ऑटो में है, जैसे कि आग लगी है यहाँ पे और 68 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है, तो उसके बाद में वो ब्लास्ट हो जाता है स्प्रिंकलर, हमारे जो स्प्रिंकलर है ऊपर जो ऑटो में है। उसके बाद में स्मोक डिटेक्टर है हमारे पास, हम लोग नहीं रहेंगे फिर भी क्या होगा, स्मोक डिटेक्टर क्या होगा, जब यहाँ पे स्मोक जाने के बाद, उसके अंदर स्मोक जाने के बाद क्या होगा, सायरन देगा, यानी पहले आग लगने के बाद पहले क्या होता है, धुआं निकलता है, बराबर, धुआं निकलने के बाद पहले हमको चेतावनी मिल जाती है कि यहाँ पे स्मोक है, और वहाँ पे बजर बज गया, यहाँ पे सायरन है ना अपने, यहाँ पे तो सामने सायरन है ना, सायरन बज जाएगा, बराबर। ये सब चीज़ें हमको हमारे फायर इक्विपमेंट्स है वो हमेशा ऑन में चाहिए, सप्लाई हमेशा उसका ऑन रहेगा, हमेशा वो दिखेगा। अभी आप स्मोक डिटेक्टर देखोगे उसमें क्या दिखेगा, लाइट ब्लिंकिंग करती हुई दिखेगी, बराबर है, कि हमको समझ में आ रहा है कि बाबा ये चालू कंडीशन में, अंदर भी स्मोक डिटेक्टर है, जैसे कि धुआं उसके अंदर गया तो हमको फायर अलार्म बजेगा, और हम लोग फिर कहाँ पे जाते हैं, हम लोग हमारे कंट्रोल पैनल में जाते हैं, वहाँ पे हमको एड्रेसेबल पैनल बोलते हैं उसको, वहाँ से एड्रेस पता चलता है, और क्या होता है कि हम उस जगह पे हम लोग पहुँच जाते हैं, और उस जगह पे पहुँचने के बाद हमको ये फायर एक्सटिंग्विशर लेके, वहाँ पे ऑलरेडी रहेगा तो उनको वो फायर एक्सटिंग्विशर लेके रेडी रहना चाहिए। पर ठीक है, अभी हम लोग इसको कैसे ऑपरेट करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसको हमेशा देखना चाहिए कि ये जो गेज है यहाँ पे आप देख सकते हो ना, यहाँ पे इसके गेज का मतलब क्या है, ये ग्रीन पे अगर रहेगा तो इसके अंदर क्या है, प्रेशर है। ये जब भी इसके अंदर पाउडर, इसके अंदर क्या है, ड्राई केमिकल पाउडर है, बराबर। हम लोग जब ऑपरेट करेंगे, हम लोग इसको प्रेस करेंगे, तब ये इसके अंदर से पाउडर निकलना चाहिए, इसके लिए इसके अंदर प्रेशर दिया गया है ऑलरेडी, बराबर है। तो ये ग्रीन पे है, बराबर, सबको दिखता है ना। जब हम लोग ऑपरेट करेंगे तो क्या, कहाँ पे जाएगा, ये रेड पे जाएगा, यानी जब हम लोग यूज़ करेंगे तब रेड पे जाएगा। तो पहला क्या है, इसका पास का मेथड है, पी फॉर
पहले PAWS ये स्पेलिंग है पास का, तो पी यानी पुल द सेफ्टी पिन, हमको क्या करना है, ये सेफ्टी पिन हमको पुल करना है, बराबर, ये पुल कर दिया मैंने, बराबर, ये हमेशा ध्यान में रखना। हम लोग क्या करें, जब आग लगती है तो हम लोग पैनिक हो जाते हैं, क्या करना मालूम नहीं पड़ता है। अभी इसमें सील तो नहीं है, लेकिन हमेशा सील रहना चाहिए, नहीं तो कभी भी ये यूज़ हो सकता है, कोई निकाल सकता है और फिर बाद में मिसयूज हो सकता है, बराबर। तो हमको क्या करना है, पुल द सेफ्टी पिन, समझ में आया सबको। फिर बाद में हमको सेकंड क्या है, ए फॉर एम, जहां पे आग लगी है उसको हमको क्या करना है, एम करना है, एम द बेस ऑफ फायर, समझ गए, एम द बेस ऑफ फायर। जब हम पुल द सेफ्टी पिन कर दिए हमने, एम द बेस ऑफ फायर, फिर बाद में हमको क्या करना है, ये जो लीवर है, ये लीवर को हमको क्या करना है, स्क्वीच, क्या बोलते हैं उसको, स्क्वीज, स्क्वीज द लीवर, यानी लीवर को हमने क्या किया, दबा दिया, और जहाँ पे आग लगी है उसके हम लोग को 5 फीट कम से कम लंबा खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, प्रेशर होता है, समझ गए। तो ये स्क्वीज द लीवर करेंगे, और फिर बाद में वापस लास्ट एस है स्वीप होस पाइप, ये पाइप होस पाइप को हमको साइड बाय साइड करना है और आग बुझाना है, ठीक है, सबको समझ में आया ये किस तरह से हमको यूज़ करना है फायर एक्सटिंग्विशर, ये ABC फायर एक्सटिंग्विशर है, बराबर। और सेम यही है CO2 है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, हमको यहाँ पे इसके यहाँ पे हैंडल के ऊपर, बराबर, हमको इसको पकड़ना है हैंडल के ऊपर, क्योंकि ये सब पोर्शन जहाँ जब हम ओपन करते हैं तब क्या होता है, ठंडा हो जाता है, इसके लिए हमको पकड़ना नहीं रहता कहीं पर भी, हमको सिर्फ हैंडल के ऊपर इसको पकड़ना है। फिर उसके बाद में हमको क्या करना है, ये सील को हमको, सील को निकाल के, ये सील यहाँ पे है लगा हुआ है पिन को, पास को, पी फॉर पुल द सेफ्टी पिन, सेफ्टी पिन को हमको निकालना है, देख लीजिए ये इस तरह से निकाला जाता है, नहीं तो कभी कभी क्या हो जाए, हमको पैनिक हो जाता है, हमको मालूम नहीं, हम लोग वॉल ओपन करने के लिए जाते हैं और फिर बाद में पता नहीं चलता हमको क्या करना है हमको, तो ये पैनिक नहीं होना है। और जब भी ओपन करना है, ये इसमें क्या है, ओपन करना, इसमें तो प्रेस करना है, इसमें जब हम ओपन करेंगे तो क्या होगा, कौन से जगह पे ओपन करना हमको, राइट में या लेफ्ट में, यानी राउंड द क्लॉक हमको क्या करना है, इसको ओपन करना है, कैसे, ये अगर हमने इसको किया इस तरह से हमको ओपन करना है, और क्या करना है हमको, इसको इस्तेमाल करना है, जब भी आग लगेगी, इलेक्ट्रिसिटी की आग लगेगी तो हम लोग को इसको इस तरह से ओपन करना है राउंड द क्लॉक, और उसके बाद में वो तुरंत हम लोग बंद भी कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया सबको। ये कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर है, ये ABC टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर है, समझ में, इसमें लीवर है और इसमें वॉल है, वॉल से हमको ओपन करना है और बंद भी करना है, समझ गए। इसके अंदर हमने एक बार ओपन कर लिया तो क्या होगा, कार्टेज ब्रेक होगा और धीरे धीरे प्रेशर डाउन होगा, मगर इसके अंदर कैसे है, इसके अंदर हम लोग वॉल जैसे ओपन करेंगे हम लोग बंद भी कर सकते हैं, और बंद करने के बाद वो स्टे भी रहेगा, गैस जो है रहता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वो हमेशा रहेगा, ठीक है। हम लोग अभी होजरील देखेंगे, होजरील और फायर पैनल में, हाँ वो निकला है ना, उसको सील कर दो, इसको भी कर दो, है ना, इसी तरह से हम लोग आग बुझा सकते हैं, बराबर। ये बंद हुआ, वापस पूरा ऑन करो, बंद करो। अभी ये तेरा प्रेशर कितना है,
प्रेशर कितना है वो अपन इसमें से चेक कर सकते, थोड़ा थोड़ा कभी भी ना निकाल के मॉर्निंग टाइम में ऐसा ओपन करके थोड़ा ये करने, हाँ यूज कर सकते आप वो, अपना पता तो चलेगा ना अपने को। पांच के जी 5 kg पासून चालू होते, अपन डेली प्रेशर देते हैं ना वो कम से कम 10 kg तक अपन दे सकते हैं। ऊपर डाल, ऊपर डाल, ऊपर डाल ना, ऊपर डाल, हाँ ऊपर के इसमें डाल, ऊपर ऊपर, हाँ और ऊपर। अभी एक प्रेशर कम है इसके लिए, तुमने वॉल कितना ओपन किया उसके ऊपर है, प्रेशर कम है। हाँ वही अपन ये नहीं किए ना, चेक नहीं किए।